अब आज की हमारी क्लास के अंदर हमें एक ऐसा फॉर्म बनाना है जिस फॉर्म में से हम वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं उनको यहीं पर ही देख लें। अभी तो देखने के लिए वहां जाना पड़ता है, डेटाबेस की प्रोडक्ट्स देखने के लिए पीएचपी माय एडमिन में जाओ, प्रोडक्ट्स के टेबल पे क्लिक करो, सारी प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमें जावा की एप्लीकेशन में ही नजर आ जाए और वहीं हम इनको चेंज कर लें, डिलीट कर दें, अपडेट कर दें, नई प्रोडक्ट्स ऐड करें तो वहीं विजिबल हो जाए, यहां ना आना पड़े। तो उसके लिए थोड़ा सा कोड में लिखूंगा। सबसे पहले ये जो इसका सर्च बटन है ना, ये सर्च बटन मुझे एक्टिव करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट्स में सर्च के बटन के ऊपर एक और फॉर्म खुल जाए तो वो फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म बनाने के लिए हम प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ राइट क्लिक करते हैं, न्यू। अभी तक जे फ्रेम फॉर्म किया था ना, आज जे डायलॉग करेंगे। जे फ्रेम फॉर्म और जे डायलॉग में क्या फर्क है? जे फ्रेम फॉर्म हमारा एक वक्त में एक से ज्यादा ओपन हो जाते हैं और जे डायलॉग जो है ये एक दफा ओपन हो गया, जब तक इसको बंद नहीं करेंगे कोई और चीज आप नहीं कर सकते। जब तक ये ओपन हुआ है, जब तक ये बंद नहीं होगा पूरे सॉफ्टवेयर में कोई और काम नहीं कर सकते, इसको जे डायलॉग कहते हैं। क्लियर? तो हम एक डायलॉग ऐड कर रहे हैं, FRM सर्च प्रोडक्ट, डायलॉग ऐड हो गया बिल्कुल वैसे ही है जैसे जे फ्रेम फॉर्म जैसा, बस इतना सा फर्क है कि ये ओपन होने के बाद बंद नहीं होता। तो हम इधर जाते हैं और सर्च के बटन में कोड लिखते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, ये सर्च का बटन है, इसका कोड है, हम कहते हैं FRM सर्च प्रोडक्ट, FRM PSP इज इक्वल टू न्यू FRM ये जी ओपन हो गया। अब ये कहीं और जाने ही नहीं दे रहा हमें, कहते पहले इहदे नाल फाइनल डिसीजन करो फिर कितने जाना। अब इसको बंद किया तो दोबारा फोकस पिछले कंट्रोल पर आएगा। मॉडल ये कि सर्च के लिए कोई काम ओपन किया है, सर्च वाला काम खत्म करके कुछ और करो, नहीं तो कुछ ना करो। ठीक हो गया? अब उस डायलॉग को सेंटर में दिखाना है तो सेंटर में दिखाने के लिए लास्ट वीक भी हमने कोड लिखा था, क्या होता है जी याद है? FRM SP.SetLocation Relative to This। अब ये क्या करेगा, सर्च डायलॉग को दरमियान में ले आएगा। इसको चलाते हैं, रिपोर्ट्स और सर्च। अब सर्च वाला सेंटर ऑफ द पेरेंट आ गया है। अब इसका टाइटल भी सेट कर देते हैं। टाइटल सेट करने के लिए FRM SP.SetTitle क्या सर्च आ प्रोडक्ट। ठीक हो गया? अब ये नजर आ गया और इसके ऊपर हमने एक टेबल लगाना है। ये टेबल पड़ा हुआ है और टेबल उठा के लिया है ताकि सारी की सारी प्रोडक्ट्स इस टेबल में हमें नजर आ जाए। और अगर किसी को सर्च करना है तो सर्च करने के लिए हमें एक बॉक्स चाहिए होगा, टेक्स्ट फील्ड उठा लेते हैं जो हमें क्या करेगी, सर्चिंग की फैसिलिटी दे। और जब सर्चिंग कर ली है फिर एक बटन दे दें
जो कहे कि ओके कर दो, इसको अब क्लोज कर दो। और अगर उसने सर्चिंग के बगैर वापस जाना है तो वो एक एग्जिट के बटन से क्लोज कर दो। तो अब इनके नेमिंग कन्वेंशन शुरू करते हैं। इसका नाम होगा ओके और इसका नाम होगा क्लोज। ये जे टेक्स्ट फील्ड है, इसको खाली कर देते हैं और टेबल कंटेंट्स में कॉलम और कॉलम्स के अंदर कोड नेम और प्राइस। तो चौथा कॉलम चाहिए नहीं चाहिए इसको डिलीट कर देते हैं। रोज में आते हैं, वो बाय डिफॉल्ट कितनी रोज दिखा रहा है, फोर। हम कहते हैं हमने नहीं दिखानी, एक ही दिखा दो। क्लोज, उसने एक फॉर्म बना दी जिसमें कोड नेम प्राइस नजर आएगी और ओके होगा और इस बॉक्स की मदद से हमने प्रोडक्ट सर्च करनी है। अब इस फॉर्म को चला के देखते हैं ये कैसा लेआउट देता है हमें। ले जी, अब अगला काम यह है कि इसके अंदर सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमारी लोड हो जाएं। इस टेबल के अंदर हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट्स लोड हो जाएं, तो पहले डेटाबेस से उठानी पड़ेंगी। तो डेटाबेस से उठाने का कोड लिखते हैं, फिर इधर दिखाने का कोड लिखते हैं। तो इवेंट्स में जाकर विंडो स्टेट में जैसे विंडो ओपन हो उस वक्त ये जाकर डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड उठा के ले आए। ये विंडो ओपन का कोड है, इसके अंदर हम लिख देते हैं कि हमने उठाना है। तो एक तरीका तो ये है कि हम टाइप करें, दूसरा तरीका ये कोड हमने पहले लिखा है उधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स डॉट जावा में जाते हैं और यहां हमने सेव के बटन के पीछे कोड लिखा था। ये सारे कोड को हम कॉपी करते हैं, ट्राई कैच और यहां तक कोड कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं। वो कहता है ये सारी की सारी हमें ऐड करनी पड़ेंगी। मैं कहता हूं ओके, वो ऐड कर रहा है। फर्क ये कि वहां डेटाबेस में डाटा सेव कर रहे थे और यहां पर हम डेटाबेस में से डाटा ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्यूरी बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, ओके, और ये हमारी क्यूरी बदल जाएगी। ठीक है, वहां पर क्यूरी एग्जीक्यूट अपडेट थी क्योंकि यहां रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं, तो यहां लगेगी एग्जीक्यूट क्यूरी। और वहां पर हमारे पास कुछ वापस नहीं आ रहा था, बस सिर्फ सेव हो रहा था। यहां पर कुछ वापस भी आएगा, सारा रिजल्ट आएगा, उसके लिए हमारे पास रिजल्ट सेट की क्लास होती है। वो कहता है कि रिजल्ट सेट को ऐड कर लें, मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, रिजल्ट सेट इंपोर्ट हो गया। अब रिजल्ट सेट में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड उठाने और कहां डालने हैं हमने, डाटा टेबल में। तो डाटा टेबल में रिकॉर्ड डालने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है डिफॉल्ट टेबल मॉडल, this dot jtable dot get get model। आ गया। अब अगला एरर ये है कि जो मॉडल है वो डिफॉल्ट टाइप का नहीं होता, तो हम उसको कास्ट कर लेते हैं कि वो जो मॉडल है उस मॉडल को कन्वर्ट कर दे डिफॉल्ट टेबल मॉडल।
वो जो मॉडल है वो डिफॉल्ट टेबल मॉडल नहीं है, अब उसको डिफॉल्ट टेबल मॉडल में रिटर्न करके हमें क्या दे देगा, मॉडल वापस कर देगा। अब इस मॉडल की रोज में रोज ऐड करेंगे, उस ग्रिड में भी रोज ऐड हो जाएंगी। कर दूं? अब रिजल्ट सेट में सारे रिकॉर्ड पड़े हैं, हम क्या देते हैं, वाइल आरएस डॉट नेक्स्ट। जब तक रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड है ये लूप लगाता रहे। ऑब्जेक्ट की एक रे बना लेते हैं जिसको कह देते हैं रो। उस रो में क्या दे देते हैं, आरएस डॉट गेट इंट, कौन सा कोड, कोड में इंटीजर है, दूसरा आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या है, नेम है, और फिर आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग क्या है जी इसमें, प्राइस। तीनों के तीनों आ गए। अब लिखते हैं मॉडल डॉट एड रो, रो में क्या दे देना है, ऑब्जेक्ट की रो, तो सारे मॉडल में क्या हो जाएगा, रोज ऐड हो जाएंगी, जितनी रीड की थी सारी ऐड हो गई, और एंड पे क्या कर देंगे, दिस डॉट जे टेबल डॉट सेट मॉडल मॉडल, इसका मॉडल सेट कर देंगे। कनेक्शन डॉट क्लोज पहले कॉल हो गया है, तो चला के देखें। आ गई सारी की सारी, वो जे ऑप्शन पेन वाला कोड कॉपी पेस्ट किया था ना, उसने डायलॉग दिखा दिया। अब हमने क्या करना है, ये जे ऑप्शन पेन यहां से हटा देना है, और उसके अंदर जो एक रो है वो भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि पहली वाली रो खाली नजर आ रही है, तो इसकी टेबल कंटेंट में जाके रोज हम जीरो कर देते हैं, क्लोज। अब इसको चला के देखते हैं, इसमें और ऐड करना चाहते हैं, करी जाओ, प्रोडक्ट नेम हम क्या देते हैं, पैटिस, प्राइस 45, सेव, सर्च लो, बता रहे। अब यहां पर हमने ये देखा है जो प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जाकर डेटाबेस में सेव, कामयाबी से इसको कर लिया है।